सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और आप सभी का हमारे और अपने YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। तो गाइज, बहुत सारे बच्चों के सैम्पल पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, कईयों ने दे दिए और कईयों के मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप सभी एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप लोग एग्ज़ाम दे दो उसके बाद में अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में सोचना, पिछले वाले एग्ज़ाम के बारे में मत सोचना। बहुत सारे बच्चे कॉल आ रहे हैं कि सर मेरा अच्छा नहीं हुआ, सर मैं फ़ेल हो गया, सर क्या होगा। देखो यार, ये सिर्फ स्कूल के एग्ज़ाम हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए है, फालतू की ओवर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर करोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। बस अपनी स्टडीज़ करो, लेट नाइट स्टडी करो, मॉर्निंग में जल्दी उठ के स्टडी करो। स्टडी पार्टनर नहीं मिल रहा तो हमने आप सभी के लिए डेली लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी है, नाइट के 7:30 से मॉर्निंग के 4 AM तक लाइव स्ट्रीम चलेगी, जिसमें आप लोग चैट कर सकते हो, अपने पास में ऑन करके रख सकते हो। उसका बेनिफिट ये होता है कि बच्चे वहाँ पर चैट करते रहते हैं, स्टडी भी करते रहते, साथ में बातें भी करते, जिससे मन लगा रहता है, टेंशन नहीं होता, डर नहीं लगता, मॉर्निंग में जल्दी उठने की हैबिट बन जाती, बहुत बच्चों को फ़ायदा हो रहा है उससे। आप लोग स्टडीज़ करो अपनी आराम से, टेंशन फ्री होके, आपके लिए ही सब कुछ करना है। हमारा मोटिव मेन यही है कि बच्चों की पढ़ाई को जितना हो सके ईजी और इंजॉयबल बना दे, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। बाकी आप सभी के कोई दूसरा अपडेट मिलेगा मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूँगा, वापस रिपीट कर दूँ कि आप लोग आराम से टेंथ से फ्री होकर एग्ज़ाम दो। सिर्फ आपको बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर तैयारी करवाने के लिए ये लोग अभी ये एग्ज़ाम करवा रहे हैं, ये सिर्फ तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम हो रहे, तो इनको प्रैक्टिस की तरह लो, ज़्यादा सीरियस मत हो, मतलब सीरियस का मतलब फालतू ओवर टेंशन मत लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।